साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेव एसवाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थियोरी। क्या है ये कंप्लीट थियोरी, आज हम इस सेशन में पूरी इनके बारे में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो रहने वाला है। सीटेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, DSSSB हो, रीट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये कुछ ऐसे थियोरीज हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये सारी थियोरी आपके जो CDP का पोर्शन है उसको बनाती हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से आप नंबर भी इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार थियोरी के अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर वो कभी भी चेंजिंग नहीं होता है और आपके नंबर भी बहुत अच्छे उठ जाते हैं। अगर रीसेंट ईयर के पेपर जो आपके ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, अगर आप उनमें ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, ये कुछ ऐसी थियोरी हैं जिससे कि कभी कभी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियोरी को बहुत ही ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें जानने वाले हैं वो ये है कि जो ये लेव एस वाइगोस्की हैं, ये आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, रूस के रहने वाले थे। ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। प्याजे की थियोरी में हमने समझा था कि प्याजे को हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जान रहे थे, या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, संज्ञानवादी या रेडिकल, और हमने वहाँ पर भी इस चीज़ को समझा था कि वाइगोस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, सॉरी साइकोलॉजिस्ट थे, जो जिनको हमने सामाजिक संरचनावादी के नाम से समझा था। तो ये वही हैं जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। सोशल क्यों कहा गया था तो समझिए, अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है कि नहीं इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जा रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि उस क्षेत्र पे उस विशेष चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को ये काफ़ी महत्व देते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों है, क्योंकि इनका कहना है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है और जो संस्कृति है, उससे अंतर्क्रिया करके ही बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। किसका कहना है ये, वाइगोस्की का कहना है, ठीक है, कि जो बच्चा है, जो उसकी नॉलेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्याजे ने क्या कहा था, अब देखिए डिफरेंस करके चलिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा कि जब आप दोनों थियोरीज के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं साथ साथ में दोनों में कंपैरिजन करते हुए बताते भी चलूँगी। तो देखिए प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे का कहना था कि लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से कर रहे हैं, जबकि वाइगोस्की किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, समाज को। इसीलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं कि समाज और संस्कृति से अंतरक्रिया करके, अंतरक्रिया दैट मीन्स इंटरेक्शन करके, कि जैसी आपकी संस्कृति है, जैसे आपका समाज है, उस अनुसार ही बच्चे का ज्ञान का निर्माण होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, इनकी जो थियरी है ये किस पर बेस्ड है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज होकर के गलत भी कर देते हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इसको हम समझेंगे कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप कहीं भी देगा आप गलत नहीं करेंगे। देखिए इनके थियोरी में भी हम आगे समझेंगे कि इन्होंने जैसे बात किया ना सोसाइटी का, एक सोशल और एक कल्चर का, तो जो ये SC है इनका, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने देखा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज रहेगा, बिना अगर बिना संस्कृति के तो कोई समाज आपका होता ही नहीं है। तो इन दोनों के अंतर्क्रिया से, मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऐसा नहीं किसी एक का दायित्व तो ज़्यादा है, दूसरे का कम है। रेसिप्रोकल का मतलब भी यही होता है। रेसिप्रोकल हम लोगों ने मैथ में, आप लोगों ने भी पढ़ा है बचपन में, कि अगर 2 का पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा 1/2 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यही तो रेसिप्रोकल है, कि जिसमें वो रिवर्स होने की कंडीशन होती है, कि मतलब जो चीज़ है ठीक दोनों तरफ से कनेक्शन दोनों साइड से होना चाहिए, किसी एक साइड से नहीं, दैट इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग पर बेस्ड है। मतलब कि बच्चा तो वर्क करेगा ही, साथ में टीचर को भी करना है, ठीक। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, जिसकी अभी मैंने बात की, देखिए इनका भी कहना है, ये भी संज्ञानवादी, मतलब डेवलपमेंट की बात ये भी करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात ये भी करते हैं, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव जो है सोशियो कल्चरल से ज़्यादा प्रभावित है। 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके थियरी में जो आपको याद रखना है, जिसको कि हम SCL इससे याद रख सकते हैं, SCL, ठीक है, या फिर अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप LCM, आप सबने पढ़ा होगा बचपन में, तो LCS याद कर सकते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं, जो आपको इजी है
देखिए न्यूमोनिक्स ऐसा नहीं है कि जो टीचर एक ने एक बार बना के दे दिया वही होता है, जो आप इजीली आप समझ सकें, जो आपके एग्ज़ाम में आपका काम कर दे वही न्यूमोनिक्स बेस्ट होता है, ठीक है। तो LCS से याद कर लीजिए, SCL से याद कर लीजिए, जो आपको बेटर पड़ रहा है, जो आपको इजीली रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक ही याद करिएगा, दोनों ने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, क्लियर है। तो देखिए अब ये तीन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट कौन से, जैसे कि आपको यहाँ पर वेन डायग्राम से दिख रहा है, ये जो वेन डायग्राम होता है इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे हमने तीन चीज़ें बनाई, ये तीनों के तीनों, अब ये इन तीनों का कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इन तीनों का कॉमन है। पहला आपका क्या है भाई, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया, कि जो बच्चा है, जो उसका इन्वायरमेंट बनेगा, जो वो नॉलेज अचीव करेगा, उसमें सोशल इन्वायरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, कि वो समाज में, उसके घर हो, बाहर हो, कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, दोस्त हो, सबके साथ जुड़ करके मिल करके बातचीत करा, तब उसकी संस्कृति, वो कैसे कल्चर में पला बड़ा है, वो कैसे कल्चर में रह रहा है, उस कल्चर में क्या मान्यताएँ हैं, उस कल्चर में रहने वाले लोगों की सोच क्या है, और तीसरा लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं, किस लैंग्वेज को अडॉप्ट किए हुए हैं, ये सारी चीजों से मिलकर के एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड होता है। ये किसका कहना है, ये वाइगोस्की का कहना है। तो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल देने वाले कौन है, वाइगोस्की, ठीक है। और ये उनके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अब लैंग्वेज के केस में देखिए, लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट किसने किया है, प्याजे ने किया, लेकिन वाइगोस्की ने ना लैंग्वेज को बहुत अच्छा माना है, लैंग्वेज को उन्होंने मैंस ग्रेटेस्ट टूल के रूप में समझा है, मतलब जो मानव जाति है ना उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र के रूप में देखा है, जो आपका भाषा है, ये एक टूल है, एक यंत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, परस्पर सहयोग की बात कही है, इसी कारण इनके टीचिंग को हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग नाम दे रहे हैं, रेसिप्रोकल इसीलिए क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग की बात कही जा रही है। अब ये लैंग्वेज जो है ना वो मैंस ग्रेटेस्ट टूल है, क्यों, क्योंकि आज अगर आप आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज एक कॉमन जो बनाई गई है, अदरवाइज कोई किसी की भाषा को नहीं समझ पाता। लैंग्वेज जो है कैसे डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही तो डेवलप होती है। बच्चा धीरे धीरे परिवार में देखता है, बोलते हुए वो भी कोशिश करता है, धीरे धीरे उस लैंग्वेज को वो अचीव करता है, फिर कुछ और नई लैंग्वेजेस को उसको सिखाया जाता है। तो ये क्या है, लैंग्वेज उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, निश्चित करता है। जो बच्चा अधिक लैंग्वेजेस को जानता है, आप देखेंगे उसके पास अधिक पोटेंशियल आपको खुद स्किल के रूप में दिखेगा। जो एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज मिनिमम, हम देखते हैं कि हम दो तीन लैंग्वेजेस सभी जानते हैं, बट जो तीन से ज़्यादा जानता है, जो मल्टीलिंगुअल बच्चा होता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है उसके थ्रू उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी हमसे कुछ हट करके दिखाई भी पड़ती हैं, ठीक। तो आप रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। वाइगोस्की का ये थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन्होंने दिया, जो स्पीच के रूप में है, ये भी पूछा जाता है MCQ में, जैसे कि आपसे मैच इट में दे देगा कि भाई किसने किससे दिए, से मैच इट 1 2 3 4 करके देता है, ABCD मिलान करिए, या तो इसमें या प्याजे के साथ एजर्शन और रीजन वाले में दे देगा कि प्याजे ने भाई लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट किया, वाइगोस्की ने लैंग्वेज को मैंस ग्रेटेस्ट टूल बताया, तो कौन सा सही है इस आधार पर भी, ठीक है। सोशल स्पीच, पहला स्पीच है सोशल स्पीच, जो 2 साल के बच्चे पे होता है, कि दूसरे किसी से बात करता है, जैसे मम्मी से कुछ बोल रहा है, पापा से कुछ बोल रहा है, इस टाइप से। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट का मतलब ये होता है क्या, एक जो खुद से हो, तो प्राइवेट स्पीच 3 साल का बच्चा होता है। दिस प्राइवेट स्पीच, इसको हम किसके साथ एसोसिएट करेंगे, प्याजे के ईगोसेंट्रिक स्पीच के साथ। ये वही उम्र है जब प्याजे ने उस स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा, और उसको बोला कि वो किसी भी काम का नहीं है भाई, क्योंकि वो लैंग्वेज बोल रहा है, वो अपने से बोल रहा है, वो किसी काम का नहीं है। बट जो वाइगोस्की है, इनका कहना है कि जो बच्चा खुद से बोल रहा है ना, कि खुद से बोल रहा है कि ये करो वो करो, ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चा ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ भी बोलता है, बच्चा खुद को इंस्ट्रक्शन देता है। अगर वो खेल रहा है, मेरा ये पार्ट कहाँ गया, ये वाला लेकर आओ खिलौना मुझे, अरे मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है, वो खुद को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट होता है। ऐसा किसका कहना है, वाइगोस्की का कहना है। जैसे देखिए अब वर्ड्स, किस एज में बच्चे कितने कितने वर्ड्स बोलते, तो एक प्रोफेसर स्मिथ हैं, उनके अकॉर्डिंग है ये। तो इसको आप एडिशनल में याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। 1 साल में बच्चे की सिर्फ 3 वर्ड की वोकैबुलरी होती है, मतलब 1 साल का जो बच्चा है वो 3 शब्द बोल पाता है। 2 साल का जो बच्चा होता है उसके पास 272 वर्ड्स की वोकैब हो जाती है। 5 साल आते आते 2072 वर्ड्स जो है बच्चा वो आपका बोल लेता है, ठीक है।
तो ये तो एक्स्ट्रा में रही। अब थर्ड स्पीच है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। अब ये जो आपका आंतरिक निज वाक या फिर जो भी अंदरूनी वाक है आपका, वो क्या है कि बच्चा जो है खुद से मन में बात करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी बाहर जाते हैं कहीं, तो होता है ना कि ये सभी 7 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं, ये अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो चीज़ सोच रहा है उसको सबके सामने बोल ही दे। अब वो मन में भी सोच लेगा कि हाँ आज ये बहुत उड़ रहा है या उड़ रही है, इस टाइप से होता है ना। तो अब मतलब जो उसकी सोच है, उसको कोई सामने प्रॉब्लम दी गई तो उस प्रॉब्लम को वो अपने मन ही मन दिमाग में ही बोल करके सोच लेता है, और इससे भी उसके लैंग्वेज और संज्ञानात्मक विकास में क्या मिलती है, मदद मिलती है। किसका कहना है ये कहना है वाइगोस्की का। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ZPD हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, MKA हो गया, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखिए आप अगर इसको देखते हैं तो मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, नोट्स आपको बाइलिंगुअल ही इसमें देखने को मिलेगा। कुछ कुछ है जहाँ पर इंग्लिश को आपको प्रेफरेंस देना भी चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको हिंदी में है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको बाई पूरा रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ। मैंने एज शॉर्ट एज पॉसिबल लिखा, उसके बावजूद भी मैं रीडिंग नहीं करना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और आप भी उसको जो है समझने के रूप में देखें, कितना आप समझ लें और कितनी चीज़ों को आप अपने अंदर ग्रेस्प कर लें, कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और साथ में क्वेश्चंस को आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ आपके सामने नोट्स नहीं होते हैं, आपके पास सिर्फ आपका दिमाग जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाएगा। अब व्हाट इज़ ZPD? तो ZPD क्या है, सबसे पहले चीज़ फुल फॉर्म पूछ देता है, कभी कभी जोन ऑन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑन कुछ और लिख देगा, काफ़ी बच्चे वहाँ भी गलती कर देते। तो भाई यहाँ तो पहले तो बेसिक आप समझिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास का क्षेत्र, या फिर कभी कभी इसको निकट विकास का क्षेत्र भी या दूरस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। तो ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, जानते ना, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल की संभावित जो क्षेत्र होता है कि जहां तक आपका विकास हो पा रहा है। तो प्याजे एज को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वाइगोस्की जो है वो क्या, उनका क्या मानना है, ठीक। तो प्याजे जो थे उनकी थ्योरी में हमने पढ़ा कि उन्होंने एज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपने पढ़ा ना कि सेंसरी मोटर है, चाहे आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, चाहे आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उन सभी के सभी स्टेजेस में क्या था, एज डिवाइड थी। आपका जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 या 12 के बाद एडल्टहुड तक, तो उसमें एज डिवाइड थी। तो उसका मतलब है कि जो प्याजे की थियरी, उन्होंने एज को महत्व दिया है। अब ये जो मैं बात बोल रही हूँ ये आपको एजर्शन वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसीलिए कह रही हूँ शब्दों को भी ध्यान से समझिए। तो एज को महत्व दिया, अब याद रखेंगे कैसे, अब इसको रटना नहीं है। एज डिवाइडेशन आपको प्याजे की थ्योरी में इजीली देखने को मिल जाएगा, जबकि वाइगोस्की में कहीं भी आपने अभी तक एज को नहीं देखा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि वाइगोस्की के लिए एज का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, जबकि प्याजे के लिए है। अब जब वाइगोस्की एज को महत्व नहीं देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपके समरूप वाला भी हो सकता है, मतलब क्लास में पढ़ने वाला, और आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो तो होगा ही। तो मतलब कि आपको सिखाने का काम ना कोई भी कर सकता है, बस आपसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर फील्ड में, आपसे ज़्यादा वो उस क्षेत्र के बारे में जानता हो तभी, ठीक। अब देखिए उन कार्यों को जिसको आप खुद से कर लेते हैं वो क्या है, आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि अब जो है, जैसे मान लीजिए आपने किसी की हेल्प ली, अब उसको लेने के बाद भी, अभी जब तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए देखिए अब यहाँ पर एक और टर्म है ZPD, क्या है कि जितना आपको हेल्प दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, वो आपका लेवल है। मदद दिया गया, मदद देने के बाद, जैसे मान लीजिए ये है आपका, अब यहाँ से आप खुद तक पहुँच गए, अब यहाँ तक हो सकता है कि आप हेल्प के थ्रू पहुँचें, ये वाली जो आपकी लाइन है, यहाँ पर आपको हेल्प दिया गया और आपने पहुँच गए, तो यही आपका क्या है, ZPD, कि जो आप कर सकते हैं, ठीक है, और जो आप नहीं कर सकते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही ZPD होता है। कि हो सकता है कि एक चैप्टर मैं खुद से कर लूं और मेरे फ्रेंड मेरी मदद कर दी, तो उसके बाद मैं 2 चैप्टर लर्न कर ली, तो वो उसके बाद थर्ड मैं कर नहीं सकती, चाहे मेरी फ्रेंड मदद कर दे चाहे मैं खुद से कर लूं, नहीं कर सकती। तो मेरा ZPD
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा, कि जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आती है स्कैफ फोल्डिंग, जिसको हम हिंदी में मचान या पाड़ कहते हैं। स्कैफ फोल्डिंग हमेशा याद रखिए कि एक टेम्पररी हेल्प होती है। क्या होती है, एक कुछ समय तक मिलने वाली मदद, क्यू या हिंट के रूप में मदद होती है, और ये एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, कई बार आपको वर्ड्स में फंसाएगा। तो स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक पर्सन को उसके ZPD तक पहुंचने में मदद करते हैं, ठीक। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम एक पर्सन को उसके ZPD तक पहुंचने में मदद करते हैं, मींस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने में हम उस व्यक्ति के मदद कर रहे हैं। अब ZPD अगर दो यूनिट का था मेरे, की दो चैप्टर ही मैं याद कर पा रही थी, तो एक तो मैंने खुद से कर लिया, दूसरा मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की ना, तब मैं सेकेंड यूनिट तक पढ़ी। अब वो मेरी मदद कर भी रही तब भी मुझे थर्ड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो ZPD है। तो वो प्रक्रिया द्वारा, जिसके द्वारा मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और उसने उस प्रक्रिया में क्या मेरी मदद की, मुझे मेरे ZPD तक पहुंचने में। अब वो क्यू के रूप में हो सकती है, हिंट के रूप में हो सकता है, उसने अपना नोट्स मेरे साथ शेयर करा हो, ठीक, इस टाइप से। अब ये हेल्प जो देगा ना, क्योंकि ये क्या बात हो रही है, क्यू की, हिंट की, उस टेम्पररी हेल्प की, तो ये हेल्प देगा कौन, यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने हेल्प दिया ना, तो ये जो वो पर्सन देगा, पर्सन हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा बड़ा, आपके साथ वाला, कंप्यूटर हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके ZPD तक या आपको आगे तक बढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। इसी को शॉर्ट में हम MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये कोई भी हो सकता है, और ये मदद टेम्पररी होती है तब तक जब तक कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से या तो करना ना सीख जाएं, या फिर आप अपने ZPD तक पहुँच ना जाएं। तो ZPD बेसिक क्या है, वो सर्कल है, वो एरिया है जहाँ तक आपका विकास संभावित रूप से हो सकता है। उसके बाद अगर आप स्कैफोल्डिंग भी लगातार दिए हुए हैं, फिर भी विकास का क्षेत्र बढ़ता नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो स्कैफोल्डिंग में ZPD की हेल्प की ज़रूरत होगी, जो कि टेम्पररी होगा, और देने वाला कौन होगा, MKO। MKO देखिए, हेल्प देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी होगी, उसकी एबिलिटी आपसे अच्छी होगी विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, उस पर्टिकुलर टास्क में, ठीक है। ZPD डिफरेंस हो सकता है, जो बच्चा खुद कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, तो इनका यही कहना था, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि वाइगोस्की का यही कहना है। देखिए, अगर हम एग्जिस्ट में समझे तो इन्होंने SCL या फिर LCS जो भी आप पढ़े हैं, तो वहाँ से इनका है कि पहली लैंग्वेज आपका होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है उन जो आपकी तीनों चीज़ें हैं, उन तीनों के तीनों चीज़ों को आपको लेकर के चलना है, जो इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट माना है, किसने, वाइगोस्की ने, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कल्चर होना चाहिए, और लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, किसने, वाइगोस्की ने। तीन इस फॉर्म्स ऑफ स्पीच की बात की है उन्होंने, कौन कौन सी स्पीच है, सोशल स्पीच जो एक दूसरे के साथ करेगा बच्चा, प्राइवेट स्पीच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको प्याजे के ईगो सेंट्रिक स्पीच के साथ कंपेयर भी किया था। उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, इसके साथ ही, और इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इनके में ये तीन टर्म्स हैं, कौन कौन से तीन टर्म्स हैं, वो सबसे पहला है आपका स्कैफोल्डिंग, उसके बाद है आपका ZPD, उसके बाद आपका है MKO, ठीक है, ZPD, MKO, ये तीन चीज़ें अगर आपने समझ गई तो आपको इनकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, पूरी की पूरी बस वाइगोस्की की थ्योरी इतनी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको टारगेट जो है क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं, कोई टारगेट आपको अचीव करना है, यहाँ तक आप पहुँच गए, अब ये आपका क्या है, ये आपकी खुद की स्ट्रेंथ है कि आपने इतना कर लिया। अब यहाँ पे मैंने स्कैफोल्डिंग दिया और आप इस सर्कल तक पहुँच गए। अब यही जो सर्कल है ना, यही आपकी क्या है, ZPD, क्या है, यही आपका ZPD, यही आपका ZPD है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जिसने हेल्प किया, वो हेल्प करने वाला कौन है, MKO, और MKO मोर नॉलेजेबल अदर, और जिस प्रक्रिया के द्वारा किया, वो प्रक्रिया का नाम होता है आपका स्कैफोल्डिंग,
क्लियर। उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। ठीक, इसके साथ ही कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताएं, वीडियो कैसा लगा इसको भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।